नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स के बारे में कंडेंस मैटर फिजिक्स में फर्स्ट हमारा जो तो टॉपिक आता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर आता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है ए सॉलिड इज सैड टू बी क्रिस्टल इफ द कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन एथ्रियडिक पीरियोडिक मैनर और रेटिकुलर स्ट्रक्चर तो क्रिस्टल हमारे पास किसी भी सॉलिड को हम क्रिस्टल तब कहेंगे जब जिन पार्टिकल से वो बना हुआ है मतलब जिस सोलिड के कंस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं, वो एक थ्री डी पीरियोडिक अरेंजमेंट में हो मतलब थ्री डी स्पेस में उनका कोई पीरियोडिक अरेंजमेंट हो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो उसके कंस्टेंट पार्टिकल्स का उस सोलिड को हम कहेंगे क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर क्रिस्टल को हम दो भागों में बांट सकते हैं या कह सकते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल सॉलिड जो हैं वो दो तरह के होते हैं फर्स्ट टाइप का सॉलिड हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे टाइप का हमारे पास होता है अमरफस अब इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे कि इन दोनों को क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है सेकेंड पॉइंट हमारे पास है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा मतलब हमारे पास कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जैसे हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो अगर फिफ्टी डिग्री पर मेल्ट हो रहा है तो हम उसी टाइप का दूसरा कोई सॉलिड लेंगे वो भी फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा इससे आगे पीछे नहीं होगा सेम टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिफ्टी पे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सॉलिड की वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारे पास वो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगे अगर हम इस तरफ मेजर करेंगे तो उनकी वैल्यू अलग होगी इस तरफ परपेंडिकुलर एक्सिस में मेजर करेंगे तो उनकी वैल्यू अलग होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर मोर रिजिड लेस एंट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं इसलिए उनकी एंट्रोपी होगी वो मिनिमम होगी लेस होगी क्रिस्टलाइन सोलिड के एग्जाम्पल्स हैं कॉपर बेंजोइक एसिड पोटाशियम नाइट्रेट क्वार्ड्स एक्सेट्रा अब हम देखेंगे अमरफस्ट सोलिड्स को अमरफस्त सोलिड के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो रैंडम अरेंजमेंट होगा कोई भी पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होगा नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट अमरफत सोलिड्स के अंदर हमारे पास कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा एक रेंज होगी मेल्टिंग पॉइंट की जैसे हमने मान लिया कि पचास डिग्री से सौ डिग्री है तो अमरफस्ट सोलिड उस रेंज के अंदर मेल्ट करेंगे कोई जो सोलिड होगा वो सिक्सटी डिग्री पे मेल्ट कर जाएगा कोई एट्टी पे मेल्ट कर जाएगा मतलब रेंज उनकी सेम होगी लेकिन कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा अमरफस सोलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है उन सोलिड्स को हम आइसोट्रॉपिक बोलेंगे इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होंगी मतलब अमरफस सॉलिड्स में हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं जो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होती हैं मतलब हर डायरेक्शन में वो सेम रहेंगी जबकि हमारे पास क्रिस्टलाइन में था वो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज थी तो उनको हम बोल देते हैं बोलते इन नेचर फोर्थ पॉइंट हमारे पास है लेस रिजिड मोर एंट्रोपिक इनके पास कोई रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता तो ये थोड़े कम रिजिड होंगे एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अगर रिजिड कम है तो इनकी एंट्रोपी इनके कंपेरिजन में ज़्यादा होगी एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास सॉलिड के फाइबर ग्लास टेफ्लोन नेफ्थलिन एक्सेट्रा अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी सॉलिड है कोई भी हमारे पास सॉलिड दिया हुआ है उसके हमें नंबर ऑफ फेसेस पता हो कॉर्नर्स पता हो तो हम उसके नंबर ऑफ़ एजेस कैसे निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ एजेस का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ़ प्लस सी माइनस टू यहाँ एफ होता है फेसेस कितने फेस हैं उस सॉलिड के सी होता है नंबर ऑफ गॉर्नर से इन दोनों के सम में से हम टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ एजेस